एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिस नोटिस का बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतज़ार था, वो नोटिस आ चुका है कि सेकेंड काउंसलिंग की डेट यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है। या फिर जो अनअलॉटेड स्टूडेंट्स हैं, या फिर मान लीजिए आप फीस पे नहीं कर पाए हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने देखे जिसमें पूछ रहे थे कुछ स्टूडेंट्स की फ़ीस पे नहीं कर पाए हैं तो क्या पोर्टल ओपन फिर से होगा। तो फर्स्ट राउंड की तो काउंसलिंग कम्प्लीट हो चुकी है, लेकिन आपको एक मौका मिलता है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्ट लेने का। तो आपने मान लीजिए अगर फीस पे नहीं करी है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं फिर से सेकेंड काउंसलिंग के लिए। तो आपको करना क्या है वो मैं बता देती हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग मिस कर चुके हैं तो आपके पास में मौका है सेकेंड काउंसलिंग में पार्ट लेने का। यहां पर फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है, सेकेंड काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होगी 24 से। दैट मीन्स कि अभी आपके पास 2-3 दिन है, तो उन 2-3 दिनों में आप फटाफट से अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है या पहले जो आप गड़बड़ कर चुके हैं वो गड़बड़ अब ना करें। सो लिसन टू दिस वीडियो वेरी केयरफुली। पोर्टल ओपनिंग चॉइस फिलिंग फॉर सेकेंड राउंड फॉर दोज हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन काउंसलिंग पोर्टल, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्टर कर चुके हैं। सेकेंड राउंड और चॉइस फिलिंग, यहाँ पे पोर्टल ओपन उन्हीं के लिए होगा, चॉइस फिलिंग ऑप्शन भी सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्हें यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग में पार्ट लेना है और वो ऑलरेडी काउंसलिंग पोर्टल पर रजिस्टर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये ओपन होगा 24 को, यूजी का बता रही हूँ मैं, और ये 27 तक ओपन रहेगा। तो आपको इस डेट के बीच में अपना पोर्टल जो ओपन हुआ है उसमें चॉइस फिलिंग कर देनी है, दैट मीन्स फिर से रजिस्ट्रेशन जो है आपको वो कर देना है अपना। इसके बाद में पीजी के लिए भी 24 से 26 तक ओपन रहेगा। यहाँ पर आप मान लीजिए कुछ गड़बड़ कर देते हैं, पर कोशिश करिएगा कि आप पहली बार में ही सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, कोई गड़बड़ आपसे ना हो। और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कैसे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसका वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप प्लीज़ कोई गलती मत करिएगा, वीडियो देखकर ही अपना सेकेंड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करिएगा। तो आपको एडिटिंग करने का मौका भी सिर्फ इसी डेट में मिलेगा, इसके अलावा अलग से कोई डेट आपको नहीं मिलेगी। एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये आपको कुछ नहीं करना है इसमें, इधर आपका कोई काम नहीं होता है, इधर पर यूनिवर्सिटी की जो टीम बैठी हुई है वो वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। तो 28 और 29 में हो जाएगा, वहीं पीजी का 27 तारीख को ही कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अब मेरिट लिस्ट आएगी, आपको अभी भी कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगी, वो आएगी 31st of December को यूजी की, और पीजी की आ जाएगी 29 December को। ठीक है, सीट अलॉटमेंट पब्लिकेशन लिस्ट कब आएगी, वो आएगी 5 तारीख को। काफ़ी वक्त ले रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका जो पेशेंस लेवल है वो ख़त्म हो रहा होगा, बट हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सारे जितने भी नोटिस हैं यूनिवर्सिटी दे रही है, और डिले तो डेफिनेटली हो रहा है, बट इट इज़ नॉट इन आर हैंड्स, वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस सिचुएशन, यू हैव टू वेट ओनली। तो यहाँ पर 5 तारीख को जो है सीट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, और फिर फीस पेमेंट आपको 6 तारीख को करना होगा, 6 से 8 के बीच में। ठीक है, वहीं पीजी के लिए अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो 1 तारीख को आ जाएगी, और 3 से 5 के बीच में पीजी वालों को सीट जो है अपना फिक्स करने के लिए फीस पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं, प्लीज़ इन्हें रीड ज़रूर कर लीजिए, इन्हें ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पर लिखा है टाइम इंटरवल गिवन अबव विल बी अनचेंज्ड। ठीक है, ये जो टाइम इंटरवल दिया है, मान लीजिए 6 से 8 तारीख दिया है, ये चेंज नहीं होगा। कोई और प्रॉब्लम आती है वो अनदर कंडीशन है, लेकिन चेंज नहीं होगा। दोज एप्लीकेंट्स हु कुड नॉट रजिस्टर देमसेल्फ इन टाइम ड्यूरेशन गिवन अबव विल नॉट बी कंसिडर्ड। इस टाइम ड्यूरेशन में अगर आपने ये सारी प्रक्रियाएं नहीं करी तो आपका जो है यहाँ पर कोई भी आप बाद में सोचे मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट चॉइस यहाँ पर जो है, इफ़ फर्स्ट चॉइस कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं होता है तो आपकी जो बाकी की चॉइसेस हैं 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, वो उसमें से आपको कोई अलॉट की जाएगी। दोज एप्लीकेंट जो अपनी फीस टाइम पर सबमिट नहीं करेंगे उनकी सीट को वेकेंट माना जाएगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी फीस को टाइम पर पेमेंट करें। ठीक है, मैंने बताया हुआ है फीस पेमेंट कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, चॉइस फिलिंग कैसे होगी, ये सभी मैं बता चुकी हूँ। इन सभी के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं, आप देख लीजिएगा, कोई गड़बड़ मत करिएगा।
ठीक है। तो जो मान लीजिए फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अलॉट नहीं हुई है या फिर फीस पे नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी ये मौका दिया जा रहा है सेकेंड काउंसलिंग में, वो भी इसमें वापस जो है रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स कुछ और भी दिए हुए हैं, यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा पीजी प्रोग्राम में जो जिनमें काउंसलिंग नहीं हुई है, एंट्रेंस टेस्ट वॉज नॉट कंडक्टेड, नो काउंसलिंग नहीं मतलब कि एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं हुआ है, उन्हें यहाँ रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा वो स्टूडेंट्स जिनके एंट्रेंस टेस्ट नहीं हुए हैं पीजी प्रोग्राम्स के, उन्हें यहाँ पर रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर डायरेक्ट जो है आपको लिस्ट आएगी। ठीक है, द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो टीम करेगी और आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सीट अलॉट होने के बाद में आपको बस फीस पेमेंट यहाँ पर करनी है। ठीक है, ये सारे यहाँ पर दिए हुए हैं और ये सारी चीज़ें हैं, और कोई भी गलती होती है अगर तो यूनिवर्सिटी के पास राइट है कि वो आपका एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। सो गाइस प्लीज़ कोई गलती मत करना, वीडियोस देख लेना, उन्हें देखकर ही आप प्रॉपरली सही तरीके से अपना काम करिएगा। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते हैं मैं टेलीग्राम पर डाल देती हूँ, तो वहाँ से आप देख लिया करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही में अभी तक गाइज अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब कर दो जल्दी से और सपोर्ट करो अपना, तभी तो मुझे भी एनर्जी मिलेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।